नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही पौष्टिक लड्डू, सर्दियों के लिए और न्यू मदर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, और जिनको घुटने में कमर में दर्द होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ली हूँ, उसके लिए मैं बता रही हूँ क्या क्या ली हूँ। ये देखिए, 500 ग्राम गुड़ है, 500 ग्राम गेहूँ का आटा है, और ये 50 ग्राम ये बीज है इसका खरबूजे का, और ये सौंठ है 10 ग्राम के आसपास है, बड़ा मतलब 2 चम्मच है, 2 बड़ा चम्मच, और ये 100 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम गोंद है। ये देखिए, इस तरह का गोंद होता है क्रिस्टल टाइप का, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। ये काजू है, और ये देखिए ये कमर कस है, ये इस तरह से होता है, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का होता है, क्रिस्टल टाइप का ये कमर कस है। ये न्यू मदर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ये नारियल का है, ये ताजी नारियल का है, ये बुरादा किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ। और ये किशमिश है, ये 100 ग्राम ये भी है, 100 ग्राम ये है, और 100 ग्राम मखाना लिया है मैंने, और ये घी है 400 ग्राम। तो मैं गैस ऑन करती हूँ भूनने के लिए, इन सबको फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच घी लिया है, इसमें गाय का घी है, तो 2 चम्मच मैंने घी लिया है। अब मीडियम आंच रखूंगी, ज़्यादा तेज नहीं रखूंगी, और ये बादाम मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको भून लेती हूँ। बादाम बहुत ही अच्छा होता है, गर्म होता है, सर्दियों में खाना चाहिए, तो बहुत ही पौष्टिक होता है, प्रोटीन भरपूर होता है इसमें। ये देखिए, मैं मीडियम में ही रखी हूँ, मीडियम लो पे रखी हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमें देखिए पट पट की आवाज़ हो रही है ना, इसके मतलब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, तेल इसी घी में ये डाल देती हूँ काजू, इसे भी अच्छे से कर लूँगी गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर करके निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में ये, और फायदेमंद होता है, सर्दियों में खाना चाहिए। ये देखिए गोल्डन हो गया है ये, तो इसको निकाल लेती हूँ, ये काजू को, ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका। ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और ये देखिए गोंद है, तो गोंद को मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और कम ही आंच पे इसको मीडियम पे भूनूंगी, क्योंकि तेज कर देंगे ना तो ये ऊपर ऊपर से तो जल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, खाने में मुँह में चिपकेगा ये। ये देखिए कितना अच्छा से ये फूल गया है, देखिए बहुत अच्छा से फूल गया। अभी इसको निकाल दूंगी, इसका दूसरा बैच डालूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है, ये मीडियम आंच पे अच्छा बनता है, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। ये कमर दर्द, घुटनों के दर्द के ये बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत ही अच्छा है ये, इसको सर्दियों में तो ज़रूर ही लेना चाहिए। जो न्यू मदर होती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें डिलीवरी जब होता है तो उनके देह में काफ़ी सारा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो उस समय के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये गोंद। और जो पेट वगैरह अपसेट हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है ये, तो न्यू मदर को तो देना ही चाहिए। और जो फीड कराती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों को जो फीड कराती हूँ उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं इसी में कमर कस भी भून लूँगी, ये देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा डालूँगी, ये भी मीडियम लो पर ही भूनूँगी, और ये भी भून कर तैयार कर लेती हूँ। कमर कस तो और भी अच्छा है, ये जब न्यू मदर को तो खास कर देना चाहिए, और देते थे पहले के लोग देते थे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आज कल ये सब विलुप्त होता जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया होता है दर्द के लिए, बात रोगों के लिए, कमर को कसने के लिए। जैसे न्यू मदर होती हैं उनके कमर में प्रॉब्लम होती है ना, तो कमर कस इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो कमर को कस के रखता है और दर्द को दूर भगाता है। और बहुत सारी जो ये गंदी की सफाई भी करता है, जो अंदर होता है प्यूरीफाई करता है ये, तो इसलिए ये ज़रूर ज़रूर देते हैं। अब इसी तरह से मैं सारा भून लेती हूँ, तो कई तरह के गोंद आते हैं, इस तरह से देखिए मैंने सारा भून लिया है,
अब इसमें दो चम्मच और घी डाल दूंगी। ये देखिए मैंने एक चम्मच घी और लिया है और ये इस मखाने को मैं डाल देती हूँ, ग्राम से 100 ग्राम मखाना है ये, तो इसे भी डाल देती हूँ। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है मखाने में, तो हड्डियाँ इससे मजबूत होती है कैल्शियम से, तो लेना चाहिए मखाना, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है और ये नेचुरल कैल्शियम मिलता है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये भी कैल्शियम मखाना वगैरह लेते रहेंगे तो कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं ना, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग। ये देखिए अब गोल्डन हल्का हल्का हो गया है, लाइट गोल्डन। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये भून के तैयार हो गया है, निकाल लेती हूँ। अब मैं ये नारियल कद्दूकस किया हुआ नारियल है, अब ये नारियल ले रही हूँ। ये देखिए ये हमारा नारियल जो है गीला वाला नारियल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनूंगी, ड्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए भुनकर तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेती हूँ। देखिए कलर पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। हमारा घर का बनाया हुआ है ना, ये खरीदा हुआ जो बुरादा रहता है उसमें इतना कुछ नहीं रहता है, वो तो उसका सूखा सूखा सा रहता है, इसमें ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी सारा निकाल लेती हूँ मैं इस तरह से। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ ये तरबूज का बीज, और इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ऐसे ही सूखा ही रोस्ट करेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा पड़पड़ की आवाज़ करने लगेगी तो निकाल देंगे। ये ज़्यादा नहीं भुनाता है, ज़्यादा भुनेंगे ना इसको तो जैसे तिल हो जाता है कड़वा सा, वैसे ही इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है ज़्यादा भूनने से। तो इसको हल्का सा भून लेती हूँ, उसके बाद निकाल लूँगी। इसके भूनना ज़रूरी है क्योंकि यदि इसको भून देते हैं ना और उसके बाद लड्डू की लाइफ बढ़ जाती है, तो इसीलिए भून रहे हैं इसको। देखिए फूल गया है ये और आवाज़ भी हल्का हल्का हो रहा है ये देखिए। तो अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ, इस तरह से निकाल लेती हूँ। अब मैं घी ले रही हूँ और जो आटा 500 ग्राम लिया था मैंने वो डाल दूंगी इसमें, भूनूंगी उसको, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा घी लूंगी मैं। ये देखिए इतना सारा घी ले लूंगी और उसके बाद घी गलने के बाद मैं आटे को डालूंगी। देखिए मेरा घी गर्म हो गया है, तो अब मैं ये आटा जो ली थी तो मैं आटा डाल देती हूँ, मैं डाल दूंगी एक बार में ही ये आटा। अब इसको स्लो मीडियम में ही रखा है, अब इसको भूनूंगी धीरे 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 धीरे। भूनने से इसका कलर अच्छा होता है और जलता नहीं है, टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं मीडियम लो पर ही ये सारे आटे को भून लूँगी। ये देखिए अब ये भून रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए कलर थोड़ा अलग हो गया है, अभी और भूनेगा। बहुत ही कम आंच पे भूनते हैं इसलिए क्योंकि जले नहीं, क्योंकि जल जाएगा ना तो इसका कलर ब्राउन सा बिल्कुल हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा लड्डू, इसीलिए कम आंच पे भूनते हैं मीडियम पे। तो मैं मीडियम पे ही कुक कर रही हूँ इसको। और ये देखिए भून गया है हमारा, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब इसको मैं पलट लेती हूँ। अब हो गया है, अब निकाल लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए हमारा आटा गरम है, इसी में मैं इसको डाल दूंगी और चला दूंगी, ये अपने आप थोड़ा सा ये हो जाएगा, ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसको। और ये सौंठ का पाउडर है, ये भी मिक्स कर दूंगी इसी समय, इससे भी गरम आटा है ना अपने आप सही हो जाएगा। ये ऐसे चला के छोड़ दूंगी इसको, इनको मैं पीस लेती हूँ अभी, इनको पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने काजू और बादाम को पीस लिया है, इसको मैं इसको पलट लेती हूँ। थोड़ा मोटा मोटा है लेकिन अच्छा लगता है इसमें जब मुंह में आता है। तो अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें पीस लूँगी, मखाना। ये देखिए मखाने को मैंने पीस लिया है, अब इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं ये गोंद और ये कमरकस ये भी पीस लूँगी। ये देखिए गर्म हो रहा है, अब मैं इसी में गुड़ डाल दूँगी, सारा जो 500 ग्राम गुड़ था वो मैं इसमें डाल दूँगी। धीरे धीरे मेल्ट होगा ये, इसको मैं इस तरह से चला दूँगी
और इसी समय मैं 2 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के करीब पानी डाल दूंगी, बस इतनी डालूंगी। अब जब तक ये पिघलता है तब तक मैं, ये देखिए मैंने जो ये सब पीस कर रखा है, मैं इसी परात पे सबको डाल दूंगी। ये सारा गोंद वगैरह जितना था, कमरकस, सब इसी में डाल दूंगी। और इलायची पाउडर है ये भी डाल दूंगी इसमें। और ये मखाना और बादाम किशमिश, ये काजू था, वो भी डाल दूंगी। और ये नारियल का बुरादा जो है, और ये बीज था तरबूजी का, इसे डाल दूंगी। अब ये देखिए पिघलना शुरू हो गया है, ये देखिए पिघलना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी पिघलने लग जाएगा, पिघल जाएगा ये। ये देखिए मैंने इसमें सबको मिला लिया है, सारा जितनी चीज़ें थी सबको मैंने अच्छी तरह से इसको चला करके मिक्स कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, और मैंने टोटल घी 350 ग्राम था, उसमें बस इतनी सी बची हुई है, 1.5 चम्मच। ये मैंने सारा घी इसमें मिला दिया, 1.5 चम्मच बचा हुआ है, इसको भी मिला देती हूँ अच्छे से। और चाशनी भी अब तैयार हो रहा है, तो इसको मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद फिर चाशनी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब ये देखिए चाशनी का क्या हाल है, ये देखिए चाशनी भी लगभग तैयार है, बस 1 मिनट और लगेगा और ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसी में मिक्स करूँगी और फटाफट लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए हो गया है ये देखिए कैसे फूल गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको इसमें पलट देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है सबको, जल्दी जल्दी से मिक्स कर देती हूँ और फटाफट गरम गरम ही लड्डू बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, फिर बनने में दिक्कत करेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से मिक्स करके, ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको सहता सहता ही, अभी भी गर्म है लेकिन अब सहता सहता ही लड्डू बना दूंगी इसके, इस तरह से लड्डू बना दूंगी। देखिए कितना अच्छा सा बन रहा है। ये देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी से मैं लड्डू बना दूंगी। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है ये देखिए इसी तरह से मैं सारा लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने बना लिए हैं लड्डू और इतना बनकर तैयार हुआ है लड्डू। ये तो मैंने किसी से हेल्प भी ले लिया था, अकेले बनाने में वो सूखने लगता है और बनता नहीं है, तो मैंने लोगों से, एक दो लोगों से हेल्प ले लिया था, अपने घर के लोगों से। आप भी घर पे हेल्प ले लें, और यदि सूखने लगे ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं या 1-2 चम्मच घी, ये दूध भी डाल सकते हैं, तो आपका लड्डू बन जाएगा। और ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ये जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और न्यू मदर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको दर्द है वो खाएं, और गला वगैरह भी ख़राब होता है तो वो भी, उससे भी छुटकारा मिलता है। तो बनाए खाएं और घर के लोगों को खिलाएं। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताएं कि आपने बनाया तो कैसा बना। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।